नमस्कार, सिटी बुलेटिन में आपका स्वागत है। जिले की तमाम खबरों के साथ मैं हूं अंकुर यादव। बुलेटिन में सबसे पहले देख लेते हैं आज की खास खबरों को। सरकारी स्कूलों के शौचालय पड़े गंदे, छात्र छात्राओं को हो रही परेशानी। ₹10,000 की रिश्वत मांग रहे पटवारी को लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा। खैरों के पटवारी दीपक अवस्थी पर आरोप। खजुराहो छतरपुर से भोपाल जाने वाली ट्रेन में भोपाल जा सकेंगे लगभग 1,000 यात्री। ₹135 हो सकता है न्यूनतम किराया। हरपालपुर में जल संकट से जनता परेशान। एक बार फिर नगर परिषद के सामने किया गया प्रदर्शन। चलिए सुर्खियों के बाद खबरों के विस्तार पर डालते हैं नजर। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं जिले के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चों की समस्याओं की खबर पर। 1 जुलाई से प्रदेश भर के स्कूल खुल चुके हैं और सरकार ने प्रवेश उत्सव भी मना लिया है, लेकिन सरकारी स्कूलों में बद इंतजामियों के कारण बच्चे परेशान हैं। छतरपुर शहर के तमाम सरकारी स्कूलों में शौचालयों में मौजूद गंदगी कारण बच्चे परेशान हैं। पेप्टिक टाइम की टीम ने जब शहर के ही स्कूलों का भ्रमण किया तो ये सच्चाई सामने आई। कई स्कूलों में या तो शौचालय है नहीं, और जहाँ हैं वहाँ गंदगी के कारण और असामाजिक तत्वों के कारण इन शौचालयों का उपयोग बंद हो गया है। ऐसे में बच्चों को बाहर जाकर शौच करनी पड़ती है। खासतौर पर लड़कियों को स्कूलों में काफ़ी परेशानी सामने आ रही है। देखिए, छतरपुर जिले में जिस तरीके से स्कूलों के शौचालय हैं उनकी स्थिति हम आपको मुख्यालय से बताने वाले हैं कि मुख्यालय में किस तरीके से स्कूल में शौचालय हैं। आज हमने डेरा पहाड़ी पर जो स्कूल है वहां का भ्रमण किया है, जहां पर बच्चों को खुद स्कूल में जो शौचालय बना है उसकी चाबी अपने पास रखनी पड़ती है। वजह यह है कि असामाजिक तत्व जो वहाँ पर बैठते हैं वो गंदगी करते हैं। इसके अलावा शराब की बाटलें भी फेंकते हैं, जिससे बच्चे परेशान हैं। इसके अलावा टीचर भी परेशान हो चुके हैं। दूसरा मामला हम आपको बता रहे हैं नरसिंहगढ़ पुरवा का, जहां पर भी स्कूल में इसी तरीके के हालात मिले हैं। शौचालय काफ़ी गंदगी स्थिति में है और नगर पालिका द्वारा इन पर पानी भी नहीं पहुंचाया जा रहा है। तमाम चीज़ों को लेकर बच्चे और टीचर परेशान हैं। कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन ना तो DO कार्यालय ने कोई कार्रवाई की है, ना ही नगर पालिका ने किसी प्रकार का इंतजाम किया है। अब इन लोगों की मांग है कि यहाँ पर गौर किया जाए और मीडिया के माध्यम से जो सवाल उठाया गया है उसको लेकर जल्द ही व्यवस्था भी की जाए। साफ़ सफाई रहती है हमारे यहाँ, बच्चे पानी लेके जाते हैं, पानी डालते हैं, और जब ज़्यादा गंदा हो जाता है तो नगर पालिका से सफाई लिख के, हमारी जो HM थी, प्रभारी HM, उन्होंने लिख कर दिया है। अब नगर पालिका से आएंगे सफाई। अभी एक दो बार कंप्लेन की भी है नगर पालिका में, जैसे भिजवाया या वार्ड मेंबर से भी चर्चा की इस चीज़ की कि भैया उसको बुलवा दो स्लीपर को, तो कम से कम यहाँ की सफाई वफाई हो जाए, तो ये हो नहीं पाई है। इसके पहले जब पेपर थे तब हमने यहाँ की सफाई करवाई थी, अब बरसात के पत्ते इतने झड़ गए हैं, इस वजह से वहाँ गंदगी हो गई है। अभी पानी की व्यवस्था नहीं है, इस वजह से बच्चे ऐसा कि बच्चे अंदर चली जाती हैं, बाइयों से पानी मंगवा लेते हैं, सो डाल दिया और बच्चों को तो बगल से साइड में जगह पड़ी है वहाँ चले जाते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। छतरपुर जिले में भ्रष्टाचार कर रहे पटवारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और लोकायुक्त के शिकंजे में लगातार पटवारी आ रहे हैं। मातुआ क्षेत्र के ग्राम खैरों कला में पदस्थ एक पटवारी को ₹10,000 की रिश्वत मांगने के बाद जब ₹3,000 की रिश्वत किसान के द्वारा दी गई तो उसे लोकायुक्त ने पकड़ लिया। ये कब्जे भरवाने का मामला भरवाने आए तो जो बोले को उसका लगेगा निकलेगा तो पैसे लगेंगे। कितने पहले बोले 3,000, 3,000 हम दे गए, फिर बोले को बाहर को मैंने टहलाती रही, फिर 3,000 में हुआ, फिर कुछ नहीं बोले हो जाए द्वारा
मेरे द्वारा इससे 1 रुपये की ना मांग की गई है, ना ये तो ज़बरदस्ती आया और बस उसने कहा कि हमारा मैंने जब ज़बरदस्ती वहाँ पे कब्जा कर लिया है और ये लोग हमको परेशान कर रहे हैं। ने कोई पैसे की मांग करी है, बिल्कुल तो 1 पैसे की मांग करी हो तो वो बोलते 1 रुपये की मांग नहीं। दिनांक 6/7/2017 को आवेदक भारत लोधी निवासी पापटा थाना मादगुआ ने लोकायुक्त कार्यालय सागर में उपस्थित होकर पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष एक शिकायत आवेदन पत्र दिया था, जिसमें इस बात का उल्लेख था कि ग्राम पंचायत खैरो पटवारी हल्का नंबर 39 में पदस्थ पटवारी दीपक अवस्थी के द्वारा उनके पिता आवेदक के पिता द्वारा विगत वर्ष 2005 से सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके उस पर फसल बोई जा रही थी और बाकायदा उनके द्वारा शासन को जुर्माना भी भुगतान किया जा रहा था। इस वर्ष उन्होंने तिली की फसल बोई हुई थी जिसका जुर्माना आदि भरना था। उक्त कार्य को करवाने के लिए पटवारी से इन्होंने मुलाकात की, 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी, उस समय इन्होंने 2,000 रुपये दे दिया था और शिकायत लोकायुक्त में करने के बाद शिकायत का सत्यापन किया गया, सत्यापन सही पाया गया, सत्यापन सही पाए जाने के पश्चात ट्रैप दल का गठन किया गया और आज 10/7/2017 को आरोपी को 3,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। सागर लोकायुक्त की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है, छतरपुर से खैरो के पटवारी दीपक अवस्थी को रंगे हाथों 3,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें कि सागर लोकायुक्त की टीम में विजय परस्ते इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय दल आया था, जिसने शांतिनगर कॉलोनी में स्थित दीपक अवस्थी के घर पर उस दौरान रेड मार दी जब दीपक अवस्थी घर में थे और भरत लोधी से उन्होंने जमीन को पट्टा दिलवाने एवं जमीन का जुर्माना के एवज में 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिस पर पूर्व में वह 2,000 रुपये दे चुका था और आज 10 तारीख को 3,000 रुपये की रिश्वत देते रंगे हाथों दीपक अवस्थी को लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया है। सरकारी ज़मीन पर जुर्माना एवं सरकारी ज़मीन का पट्टा दिलवाने के एवज में 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिस पर 3,000 रुपये की रिश्वत लेके 10 तारीख को सागर लोकायुक्त ने उनको पकड़ा है और जमानत पर छोड़ दिया है। लाइव रिपोर्ट के लिए सुबोध त्रिपाठी। सावन के सोमवार के साथ साथ सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और छतरपुर के तमाम धार्मिक स्थलों में इस पवित्र महीने के दौरान पूजा अर्चना की गई। शहर के मंदिरों में कैसा रहा सावन का सोमवार, आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो की इस रिपोर्ट में। सावन मास का प्रथम सोमवार पड़ा है और यहाँ पे शंकर के मंदिर पे लोगों की बहुत पुरानी आस्था है, बहुत प्राचीन मंदिर है ये, यहाँ पे शहर के सभी लोग आज पूजा करने के लिए बस आते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदय अरविंदे। ओम पुरगे भूतान तेजाने दननाति रोहवती हरि ओम कपिलोम। जी बाबा जी, आज किस तरह से पूजन पाठ चल रहा है यहाँ पे, क्या है? ये हर वर्ष जो है पंसरी महाराज आश्रम में शंकर जी के मंदिर पे यह सावन के महीने में रुद्राभिषेक होता है, विद्वान पंडितों के द्वारा श्रद्धालु माताएं बहनें आती हैं और पुराण का जो है बैठकी है और रुद्राभिषेक उस दिन होगा 1 महीने तक और शंकर जी शिवलिंग निर्माण जो है वो 1 महीने तक लगातार निरंतर चलेगा, सुबह से जो है 7 बजे से 2 बजे तक और उसके बाद में सिर्फ अभिषेक होगा। सिर्फ समान दाता नहीं विपद बड़ारण हार और लज्जा मूरी राखी और वरदा की इस बार हमारे नगर में सुख शांति बनी रहे, हमारे नगर में जो है बारिश हो, सबको भगवान सद्बुद्धि सद्प्रदान करें। पूरे भारत में सब जगह बाढ़ें आ रही हैं और हमारे पूरे नगर में एक एक बूंद के लिए हम लोग तरस रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ गलतियाँ हुई हैं उन्हें क्षमा करें
लेकिन बारिश जरूर करें, पशु पक्षी पेड़ पौधे सबको जनमानस को लाभ मिले, खेती में किसान रो रहे हैं, सबको भगवान पानी दे पीने के लिए। जी भाई, जब क्या नाम है आपका? सूरज सिंह यादव। सूरज भाई, जब किस तरह से आप पूजा पाठ कर रहे हैं और मंदिरों में किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है? पूजा पाठ तो जैसे ही अब सावन का महीना शुरुआत हुआ, आज सोमवार प्रथम सोमवार है, तो इस महीने में खास बात तो यह है कि इस माह में 5 सोमवार पड़ रहे हैं, 5 सोमवार में ये सावन के महीना 5 सोमवार है। लोगों का आज से ही मंदिरों में भीड़ का तांता लगा हुआ है और सिर्फ भोलेनाथ को अपने अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से हर व्यक्ति प्रार्थना करते हैं। 14 जुलाई से छतरपुर से भोपाल जाने का रास्ता साफ हो जाएगा, अब आप ट्रेन के माध्यम से छतरपुर से भोपाल जा सकेंगे। ट्रेन आने की खुशी हम लगातार आपको अपने बुलेटिन के माध्यम से दिखा रहे हैं। आज इस खबर में ये है कि अब छतरपुर से भोपाल जाने वाली इस ट्रेन में लगभग 1000 लोग यात्रा कर सकेंगे। इस ट्रेन में लगभग 14 डिब्बे होंगे, जिसमें से 10 डिब्बे चेयर कार यानी कि बसों की तरह बैठकर जाने की सुविधा इन डिब्बों में होगी। इसके साथ ही 2 डिब्बे जनरल बोगी के रूप में रखे गए हैं और 2 डिब्बे लगेज के लिए रखे गए हैं। एक डिब्बे में लगभग 72 लोग बैठते हैं, इस हिसाब से 12 डिब्बों में लगभग 1000 लोगों के बैठने की उम्मीद है। इसके साथ साथ इस ट्रेन के माध्यम से लगभग 135 रुपए में खजुराहो से भोपाल तक की यात्रा की जा सकेगी। इसमें 14 डिब्बे की व्यवस्था की गई है, और 9 चेयर कार हैं और 1 एसी है, 1 एसी चेयर कार है और 2 जनरल है और 2 एसलाव है। एक्चुअली काउंटर से होगा कि जो स्टैंड पर लगा हुआ रिजर्वेशन, वहीं से रिजर्वेशन होगा, यदि तत्काल में यहाँ आता है स्टेशन पर स्टेशन से होगा। खजुराहो से सुपर फास्ट का लगभग 32 रुपीज़ होगा, जनरल का 10 रुपये है, अच्छा, और भोपाल का 135 रुपये है। मंदसौर में हुए किसान आंदोलन के बाद प्रदेश भर में कांग्रेसियों ने किसान स्वाभिमान यात्रा निकाली। छतरपुर में भी कांग्रेस के बड़े नेताओं जिनमें मनोज त्रिवेदी, आलोक चतुर्वेदी, पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह बुंदेला, लखन दुबे सहित तमाम नेताओं ने यात्राएं निकालकर प्रदेश की भाजपा सरकार को कोसा। इस यात्रा का समापन सोमवार को हुआ, जब कांग्रेसियों ने छतरसाल चौक पर एक नुक्कड़ सभा की और कथित रूप से मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के पाप का घड़ा फोड़ा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार संपूर्ण जिले के मुख्यालय में आज 10 तारीख को शिवराज सिंह का जो पाप का घड़ा है भर चुका है, उसको फोड़ा गया है, जिसमें जिला कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी, महिला कांग्रेस की बहनें, युवा कांग्रेस, एनएसका, सेवादल, समस्त प्रकोष्ठ के लोग इसमें शामिल रहे। उनके यदि घोटालों की संख्या करी गिनी जाए तो व्यापक घोटाला हो, डीमेट घोटाला हो, खाद बीज घोटाला हो, सिंह नस्ल घोटाला हो, पिछड़ा किसान पोषण आहार घोटाला हो, किसानों की हत्याओं के मामले हो, इसका यहाँ पर हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका पाप का घड़ा भर चुका है। इस महीने आपके बिजली के बिल जरा लेट हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप तक बिजली के बिल पहुँचे ही ना, साथ ही आपके मीटर की रीडिंग में भी व्यवधान आ सकता है। दरअसल जिले के तमाम मीटर रीडर हड़ताल पर चले गए हैं। विद्युत विभाग पर लगातार शोषण किए जाने के आरोप लगाते हुए और मीटर रीडिंग का मानदेय बढ़ाने के लिए
इन लोगों ने हड़ताल शुरू कर दी है। ऐसे में मध्य प्रदेश के साथ साथ छतरपुर की विद्युत बिलों की जो सप्लाई की व्यवस्था है वो गड़बड़ा सकती है। हमारी 1 जुलाई से प्रदेश स्तरीय हड़ताल काम बंद हड़ताल जारी है और समस्त मीटर रीडर प्रदेश के 1 जुलाई से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। नहीं, एक्चुअली जहां पर मीटर नहीं लगे हैं वहां एवरेज बिल जारी हो रही है, जिनके मीटर ख़राब हो गए हैं। बाकी जो बिल हैं वो मीटर रीडिंग के आधार पर जारी किए जा रहे हैं। जिनके मीटर ख़राब हैं या बिल मीटर नहीं लगे हैं वहां पर मीटर स्थापित किए जा रहे हैं और मीटर लगने के बाद वो बिल भी मीटर रीडिंग के आधार पर जारी किए जाएंगे। देखिए, टैरिफ जो है माननीय ऊर्जा नियामक आयोग के टैरिफ आदेश के आधार पर लागू होती है, जो कि अभी 10 अप्रैल 2017 से प्रभावशील है। बारिश शुरू हो चुकी है लेकिन जिले के हरपालपुर कस्बे में अब भी लोग पेयजल संकट से परेशान हैं। यहाँ की हरजन बस्ती में रहने वाले लोगों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है और इसका गुस्सा लगातार सामने आ रहा है। पिछले 2 महीने में तीसरी घटना है जब हरपालपुर नगर परिषद पहुँचे लोगों ने मटके फोड़ कर विरोध जताया। परेशानी है, 3-3 दिन को बस पानी पीते हैं हम, झेंगलम को पानी पीते हैं, कोई सुनाई नहीं होती नगर पालिका में। सबके यहाँ टैंकर है, सब हमारे यहाँ लैंड पाइप पड़ना चाहिए, हमारे यहाँ पाइप लाइन। कौन सी वार्ड में? दो वार्ड में 3 वार्ड में। शहर के गायत्री मंदिर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर दीप यज्ञ का आयोजन किया गया। रविवार की शाम गायत्री मंदिर में दीप दान करने सैकड़ों लोग पहुंचे और अपने अपने गुरुओं की याद में दीप दान किया। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए पेपिक टाइम पर और चलते चलते देख लेते हैं सुर्खियां। सरकारी स्कूलों के शौचालय पड़े गंदे, छात्र छात्राओं को हो रही परेशानी। ₹10,000 की रिश्वत मांग रहे पटवारी को लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा, खैरों के पटवारी दीपक अवस्थी पर आरोप। खजुराहो छतरपुर से भोपाल जाने वाली ट्रेन में भोपाल जा सकेंगे लगभग 1,000 यात्री, ₹135 हो सकता है न्यूनतम किराया। हरपालपुर में जल संकट से जनता परेशान, एक बार फिर नगर परिषद के सामने किया गया प्रदर्शन।